सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यूपीएससीईटी में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब अगर आपने जेईई का एग्ज़ाम दिया हुआ था बीटेक कोर्स के लिए और उसके थ्रू अगर आप यूपीएससीईटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपने यूपीएससीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ था और उसमें आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से करना है, तो दोनों वालों को हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे कैसे कहां कहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा लाइव आपको करके दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं ना कि आप चाहें तो साइबर कैफे पर जाके करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद से ही अपने लैपटॉप से ही, या फिर अपने मोबाइल से ही, या फिर अपने टैबलेट से ही आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से करने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट लगता है तो आपको अपने मोबाइल से ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आप फोटो खींच करके, उसका फोटो बना करके, उसको स्कैन करके आप ऑलरेडी उसको तैयार रख लें, उसको रेडी रख लें। और आपको क्या काम करना है कि आपको 1000 रुपये का पेमेंट कराने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड या फिर ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, या तो आपका हो या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर का हो, चल जाएगा। या फिर अगर आप साइबर कैफे पर जा रहे हैं तो हो सकता है कि साइबर कैफे वाला अपने ATM कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से करे। तो जैसे भी होगा आप कर लीजिएगा, ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप यूपीएससीईटी में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो। और एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आपकी मेन काउंसलिंग नहीं होती है, आप चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट अभी आपको नहीं बताया गया है तो इसलिए आप चाहें तो रुक के इसको बाद में भी कर सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हैं, अभी इसका लास्ट डेट आपको नहीं बताया गया है। हम बात करते हैं उनके लिए जिनको अभी करना है तो वो कहाँ कहाँ पे जाके कैसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको अपना कोई ब्राउजर ओपन करके आपको उसमें गूगल में जाना है और उसमें आपको टाइप करना है upcet.admissions.nic.in। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है, तो सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा upsee.nic.in का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन। मतलब जो भी आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस होंगे, एडमिशन का प्रोसेस होगा, यहीं पे होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ पे सिर्फ यही वाला एक लिंक था जो कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए था, अब आपके पास आ गया है बीटेक काउंसलिंग फॉर जेईई मेन कैंडिडेट एंड यूपीएससीईटी यूजी कोर्सेज, मतलब यूपीएससीईटी में जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उनके लिए। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक कर लेंगे, अगर आप साइबर कैफ़े वाले पे हैं तो साइबर कैफ़े वाले भैया कर देंगे, और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो फिर आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, जैसे भी आप कर रहे होंगे, आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको जाना है। अगर आप साइबर कैफ़े वाले जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको जो साइबर कैफ़े वाले भैया हो जी होंगे उनको आपको बताना होगा स्टेप कि आपको कहाँ कहाँ पे जाना है, तो इसलिए आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे चले जाएंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, मतलब यहाँ पे जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए एक पोर्टल है, ऑप्शन है यहाँ पे साइन इन करने का। तो खैर अभी आपको सबसे पहले तो साइनअप करना होगा, मींस आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस होता है उसको आपको यहाँ से करना है, मतलब इस पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में डाला हुआ था और आपसे बोला था कि आप पढ़ लीजिए, तो आप चाहें तो टेलीग्राम पे हो सकता है कि आप पढ़ चुके हों, या फिर आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, या फिर जब आप करेंगे ना तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपसे लिया जा रहा है, मतलब ना जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो भी कई प्रोसेस में होगा। यहाँ पे पहला जो प्रोसेस है, मतलब वैसे तो जो आपकी पूरी की पूरी टोटल काउंसलिंग होती है उसमें भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का, उसके बाद चॉइस लॉकिंग का, डॉक्यूमेंट अपलोड का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद सीट अलॉटमेंट का, उसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस का। आपके एक राउंड में कई सारे प्रोसेस होते हैं, फिर फर्दर एक आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस होता है उसमें भी कई सारे सब प्रोसेस होते हैं। तो इसमें जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो पहला प्रोसेस है वो है पर्सनल डिटेल्स का। तो इसमें आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है सिलेक्ट, तो आपको कौन सा करना है, आप क्या जेईई मेन में बीटेक वाले हैं, मतलब आपने जेईई मेन में बीटेक के लिए भी अप्लाई किया था और उसके साथ ही साथ आपने यूपीएससीईटी में अप्लाई किया था, आपका मतलब दोनों में आपने अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपके पास मतलब दोनों के रिजल्ट आएंगे, दोनों का रैंक होगा, तो उसके लिए आपको इस बीच वाले पे क्लिक करना होगा। वहीं पे अगर आपने सिर्फ जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया था बीटेक कोर्स के लिए तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है, और वहीं पे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ़
UPSC ET का एग्जाम दिया था तो आपको इस नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका होगा आप चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, सबसे नीचे मतलब अगर आपने UPSC ET का दिया हुआ है तो इसके लिए बताता हूँ। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है UPSC ET रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे डालिए, फिर जो भी आपका नेम है कैपिटल लेटर में यहाँ पे डालिए, जो भी आपके मदर का नेम है कैपिटल लेटर में यहाँ पे डालिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लीजिए, जो भी आपका होगा मंथ चूज कर लीजिए, जो भी आपका होगा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो आपका जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका है आप उसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 9C2768 जो एस सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे आप डालेंगे। डालने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस होगा पर्सनल डिटेल्स का वो कन्फर्म हो जाएगा। तो इसको करने के बाद फिर आप एक दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तो हम तो यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास किसी का है नहीं कि आपको लाइव करके दिखाऊं, जाके वहाँ पे दिखाऊं, लेकिन आप समझदार हैं वहाँ पे कर ले जाएंगे, इतना मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं अच्छे से फिर आगे के प्रोसेस भी आप आराम से कर ले जाएंगे। तो अगले स्टेप पे जाने के बाद, अगले पेज पे जाने के बाद हो सकता है कि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है, अगर आप मतलब क्या काम करते हैं कि रजिस्ट्रेशन थोड़ा बाद में स्टार्ट कर सकते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या फिर नहीं करने हैं, या फिर अगर करने हैं तो कौन कौन से करने हैं, ये सब कंफर्म हो जाएगा अगर आप ये रजिस्ट्रेशन बाद में करते हैं तो, दो तीन दिन रुक के करते हैं तो। मान लीजिए कि आप अभी करने जा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आपको रेडी अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में रख लेना होगा। फिर मान लीजिए कि जब आप अगले पेज पे जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाए, तो फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा अपलोड कर लीजिएगा। फिर आप सबमिट करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपसे 1000 रुपये पेमेंट करने को बोला जाए। मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास किसी का नहीं है कि आपको करके लाइव दिखाऊं, अगर होता तो करके लाइव दिखा देता, मेरे पास नहीं है, मजबूरी है, इसलिए आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन हाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, हो सकता है कि जब वहाँ पर आप जाएंगे तो 1000 रुपये का आपको पेमेंट करना हो तो आप ऑनलाइन जैसे पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं या फिर और भी जो चीज़ें आप ऑनलाइन करते ही होंगे, अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये सभी चीज़ों में तो आप माहिर ही होंगे, खैर तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा अपने डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से, जो भी आपका होगा उसके थ्रू जो आपकी 1000 रुपये काउंसलिंग फीस अगर वहाँ पे लगेगी तो आप वहाँ पे कर लीजिएगा। फिर वहाँ पे जब आप उसको पेमेंट कर देंगे तो जो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप रिजल्ट का वेट कीजिए, जब आपका फिर फर्दर रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद जब उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्वालिफाई हो जाने के बाद फिर जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, फिर आपको क्या काम करना है कि यहाँ पे आपने ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिया है, अब आपको क्या काम करना होगा कि अब आपको लॉगिन करना होगा, साइन इन करना होगा। साइन इन करने किस लिए करना होगा, आपको मेन काउंसलिंग करने के लिए करना होगा, जहाँ से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जहाँ से आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं, जहाँ से आप सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ सकता है, ऑनलाइन विलिंगनेस आप कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें करेंगे आप कब, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब, जब आपकी मेन काउंसलिंग होगी तब। तो उसके लिए आपको फिर यही फिर वही तीन ऑप्शन में से जो भी आपको चूज करना है, सिलेक्ट पे जो भी आपको पहला दूसरा तीसरा जो भी होगा आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर आपको उसी का रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा, फिर आपको पासवर्ड डालना होगा जो भी आपका पासवर्ड होगा, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद साइन इन कर लेंगे तो जो आपकी मेन काउंसलिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको आपको तब करना है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब।